देखो गाइस लाल हो गया एकदम पूरा हाथ। नमस्ते हाय सस्तेगा अस्सलाम वालेकुम इट्स सो बॉय विशाल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। सो गाइस आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो ये है कि ना सबसे पहले तो जाओ कम्युनिटी पे, मैंने एक अपनी फोटो पोस्ट की है उसके अंदर आप जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। जल्दी जल्दी जाओ सबसे पहले तो वहाँ पे क्वेश्चंस पूछो। सो अभी चलते हैं अंदर और कुछ खाते हैं। अभी चाय तो चढ़ा दी है बनने के लिए बट इसके अंदर चीनी नहीं डाली है क्योंकि चीनी खत्म हो गई, इसको लेके आते हैं अभी। सही में यार चाय तो चढ़ा दी पर भाई हाथ में देखा ना चीनी तो खत्म ही हो रखी है, तो अभी मैंने क्या चाय थोड़ा कम कर दी। अभी जा रहा हूँ चीनी लेने के लिए। भीम को भी बोल देते कि एक बार तू चाय देख लेना कहीं वो फल जाए जब तक अपन चीनी ले, पता चले वहाँ तो कुछ चाय ही नहीं है। यहाँ से ही लेता हूँ मैं हमेशा अपनी क्योंकि यहीं से जो भी हमारी उधारी वगैरह चलती है। सामने की साइड आप एक बादल देख सकते हो बिकॉज कल जो है बारिश का मौसम हो रहा था बट हुई नहीं बिल्कुल भी बारिश। एंड आप ये जो दोनों चीजें देख रहे हो ब्रेड जो है सुबह खाते हैं बट मैं एक अलग हूँ जो शाम को खाता हूँ बाय चाय और ब्रेड। मेरी चाय देखो एकदम बन चुकी है और इसके अंदर चीनी नहीं है। ले जल्दी से बना एक और पढ़ाते दो है पहले बोलता ना यार उधर है तू पैसे दे रखा है क्या तो तेरे पास बहुत है। 5 रुपए ना है जेब में। 5 रुपए नहीं है जेब में। जेब ही नहीं है। जेब है भाई। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और मैं अभी आया हूँ बिल निकालने के लिए बिकॉज हमारे जो फ्लैट का बिल है वो आ चुका है। मेरे को ही निकालना पड़ता है तो आप सबको पता ही है। अभी यहाँ से सबकी रीडिंग हुआ इधर से देन उस वाले मीटर की फिर मतलब पूरा टोटल होता है उसको फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके और जिसका जितना बिल होता है वो निकाल देते हैं। एंड आज बिल निकाल देंगे उसके बाद कब जमा कराने जाना है ये मेरे को भी पता नहीं है। मम्मी कल आ जाएंगी। हाँ गाइस ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मेरे लिए कि कल मम्मी आने वाले हैं। आज मतलब हमारे गाँव में कुछ काम है वो कम्प्लीट करके देन कल आ जाएंगे। कल मतलब रात तक आएंगे क्योंकि सुबह बैठेंगे तो शाम को ही पहुँचेंगे। इधर की तो रीडिंग निकाल दिए अब उधर वाले चलते हैं। सो अभी बिल तो निकाल दिए ना हमारा सबसे ज्यादा बिल आया सेकंड नंबर पे हमें तो ना इतना गुस्सा आ रहा है सच्ची। और मेरी मम्मी अगर आ गई और ये बिल देख लिया ना इतना ज्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि ना हम लोग अभी नीचे सो रहे हैं तो हम मतलब इतनी गर्मी होती है तो कूलर भी चला लेते ना तो इतना ज्यादा बिल आ गया सच्ची दिमाग घूम रहा है एकदम तगड़ा वाला। अभी मम्मी को कॉल करके बताऊंगा ना तो मम्मी इतना तेज चिल्लाएंगे सही में। अभी तो सबको बता के आता हूँ मैं बिल एंड उसके बाद चलेंगे मार्केट और सब्जी लेके आनी है तो चलते हैं। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए। ये सारे काम हमको ही करने पड़ रहे हैं सही में। अभी मम्मी करते थे बट अभी हमको करने पड़ रहे हैं और यहीं से ले रहे हैं। मैं इसको बोला था कि मार्केट चलते हैं बड़े मार्केट वहाँ सस्ती मिलेगी बट नहीं ये बोल रहा है कि ना छोटी शर्ट पहना दी मेरे को। बताओ कहाँ से छोटी लग रही है इसको यार। इसका चेस्ट वेस्ट आ गया ना तो इसलिए सोच रहा है कि मैं थोड़ा बॉडी बिल्डर हो गया। कांटे वाले बैगन दे दो। सो फाइनली गाइस हमें कांटे वाले बैगन मिल गए घर पे। घर वालों ने बोला था कि कांटे वाले बैगन लेके आना कांटे वाले। वैसे तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि भाई कांटे वाले कौन से बैगन आने लग गए बट फिर भैया ने खुद नहीं दे दिए। अभी हम लोग आए चाय पीने के लिए बिकॉज हम यहाँ से जा रहे थे तो हम देखे कि चाय भी पी लेते हैं और दीपांशु पिला रहा चाय। थैंक यू भाई बहुत अच्छा है तू यार। अंकल जी वो थैंक यू अंकल जी पैसे देख देंगे भाई। सही में हम ना उधार पी के चल जाते हैं अंकल जी को बोलते हैं अंकल जी कल दे देंगे। कई बार अगर देते भी नहीं है ना तब भी अंकल जी बोलते कोई बात नहीं चलो बहुत अच्छे अंकल कस्टमर है। भाई बहुत गर्म है बहुत गर्म है बहुत गर्म है जल गया हाथ आया। देखो गाइस लाल हो गया एकदम पूरा हाथ। सोचा इनता भाई इतनी चाय से इतना ज्यादा जल जाएगा। सो अभी हमको बैंगन जो है वो घर पे रख के जाना है एंड ना अंकल जी का जो लड़का है ना उसको हमको घर पे छोड़ के आना है। ये रही बाइक और पास में ही है घर पास में ही ना इतना भी दूर नहीं है। गाड़ी मत कहूंगा सही है भाई गाड़ी चलाने को मिलेगी वो स्प्लेंडर है भाई साहब। ले पुच्ची मम्मी को दे देना बाय। छोड़ना कहाँ है इसको दीपांशु घर कहाँ है तो इसका घर मेरा घर ठीक है बाय। यार परेशान कर दिया बहुत बुरा वाला है इसने तो पैसे दे ले तेल के
तेल के पैसे देते डला के ले जाना ठीक है चाउमीन खा जाऊं आड़े मत करो वो जब जाम में फर्स्ट वाला पूछेंगे 8 नंबर हां 8 पूछेंगे क्या पता अब फर्स्ट वाला बैठे गाएगा नहीं होगा उसके अंदर ले लेना फिर वहां से सीधा चल जाना पेट्रोल पंप आएगा वहां से पेट्रोल पंप वापस से फुल पैटिक जाके सीधा निकल जाना सो गाइस अभी हमने ना उस लड़के को छोड़ दिया उसका नाम क्या था हमको तो शिवराज हां शिवराज को छोड़ दिया है तो अंकल जी ने हमको बोला था कि छोड़ के आ जाओ तो हम बोले ठीक है यार छोड़ के आ जाते हैं एंड अभी हमको ना घर का रास्ता सही बताया ना अच्छे से पता नहीं है कि किधर है तो थोड़ा घूमना पड़ेगा इधर उधर अभी हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए सो गाइस अभी हमने पेट्रोल डला लिया है सच्ची हम ना इतना ज्यादा परेशान हो गए कि हमको कहीं पे पेट्रोल ही नहीं मिल रहा था मतलब पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था तो अभी मिला है बहुत मतलब हम 2-3 किलोमीटर इधर से घूमे तब जाके मिला है अभी हम जाएंगे घर पे चले बहुत ही बुरा हुआ कि हम फाटक पे गए हमको रुकना पड़ेगा और अभी यहाँ कम से कम 10 मिनट लगेंगे थोड़ी ट्रेन भी फाइनली तो गाइस अभी पता है एक चीज हुई कि ना हम जब जा रहे थे ना वो फाटक क्रॉस कर रहे थे तो बीच मतलब पटरी के ऊपर हमारी गाड़ी बंद हो गई तो अभी तो इतना गेट खुले हुए थे तो इस वजह से फिर मैं इससे अभी पूछा कि भाई अगर मान ली ट्रेन आ रही होती और ऐसे गाड़ी बंद हो जाती तो क्या करते तो भाई हम इसको साफ बोल दिए कि ना तो गाड़ी छोड़ के और भाग जाता और आप भी ऐसे ही करना अगर लगे कि हाँ भाई ट्रेन बहुत पास है तो कोई गाड़ी की फिक्र मत करो यार गाड़ी तो बहुत आ जाएगी बट जान एक बार चल गई ना तो फिर वो वापिस नहीं आ सकती तो ट्राई करो कि गाड़ी छोड़ के चल जाओ ऐसा नहीं कि गाड़ी को लेने के चक्कर में और ही कुछ हो जाए अभी हम आए बालाजी महाराज के क्योंकि आज शनिवार है तो दर्शन करने के लिए आए आज घर के अंदर आए हैं बहुत सारे तरबूज जो कि हमारे नहीं है पुच्ची और के हैं ऊपर लेके जाने पड़ेंगे एक तो हमारे फ्रिज में रख दिया हमारे लिए और ये पुच्ची और के ऊपर दे के आने पड़ेंगे आज जो आटा है वो ये हो सुन रहा है मैं नहीं सुन रहा पहले वो लगाया था पूरा खराब कर दिया मेरा भाई गीला कर दिया पूरा गीला करके चल गया था पता नहीं कैसा बना दिया था और शेप देखो रोटी की कितनी अच्छी है आ रहा है परांठा हो परांठा है लेकिन आप आटे से करो रहे हो हां जो भी है सब्जी किसकी बनी है वो पराठे बनाना पराठे के साथ बहुत मजा आएगा खाने में परांठे बना हां अभी क्या दीपांशु और सब खाना बना रहे हैं देन मैं जाऊंगा ऊपर ये जो तरबूज है उनको ऊपर दे के आऊंगा और ना टीवी भी नहीं चल रहा तो आईपीएल भी बिल्कुल नहीं चल रहा एक भी मैच नहीं देख पा रहा हूँ सिर्फ मैं गूगल क्रोम से देख लेता हूँ कि स्कोर क्या है आप सबको पता होगा मेरे को आईपीएल बहुत ही ज्यादा पसंद है बहुत ही ज्यादा बट अभी एग्जाम्स की वजह से रिचार्ज नहीं करा पा रहा हूँ टीवी के अंदर सो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना कमेंट के अंदर मेरी गलती मुझे जरूर बताना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाना मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग लव यू ऑल बाय बन तो गई भाई गोल है ब्लॉक खत्म होने के बाद गोल बना रहे हैं बताओ कैसे आदमी तो वो लोगों को दिखाने जाता था टैलेंट बाद में यार समझा कर